जी का, और इनका सवाल है एचडीएफसी बैंक को लेकर 55 शेयर हैं 1510 रुपए के भाव पर। सौरभ जी, यही वो भाव है, मुझे अच्छी तरह से याद है, जो तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम बड़े जानकार कह रहे थे कि अब इससे सस्ता क्या मिलेगा एचडीएफसी बैंक, सस्ता उठा लीजिए। भाव है अब 1400 रुपए का। क्या सलाह आप देंगे, 1400 पर संभलेगा, वहां पर सपोर्ट लेकर ऊपर आएगा, इसमें निवेशित रहे, या फिर अब थोड़ा सा कन्विक्शन डिग गया लोगों का, भरोसा थोड़ा सा डामाडोल है अब? देखिए, काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशन सेलिंग हुआ है, 1400 के नीचे भी स्टॉक नीचे शायद बंद हुआ था, जो बाजार को अभी तक नहीं हो रहा है। वो बात ये है कि एचडीएफसी के विलय के बाद हाई कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट और नेट इंटरेस्ट मार्जिन का गिरना, मैं समझता हूँ मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है और 30% काइंड ऑफ अ ग्रोथ वो दे सकते हैं अभी भी, लेकिन 2-3 quarters लगेंगे मैं समझता हूँ लोगों को समझने में और नंबर्स थोड़ा सा इंप्रूवाइजेशन में, जब इनका जो हाई कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो लो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट से रिप्लेस होगा। समझता हूँ कि अभी 2-3 quarters ही अंडर परफॉर्मेंस कर सकता है, लंबे समय के लिए 3 साल, अगर 2 से 3 साल का आपका नजरिया है तो मैं समझता हूँ कोई चिंता का विषय नहीं है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक नीचे है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा जरूर हो जाएगा।